तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। देख रहे हो मेरे बत्तीसी बाहर आ रखे हैं, इनके भी, इसकी बत्तीसी है क्या? पहली बार इसके भी दांत आ गए। ओ माय गॉड, सबके दांत दांत ही दांत। मासी आप भी आओ ना मेरे साथ। वाओ ये नाना नानी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए नाती जो है सबसे बाद में आता है। तो यार नाना नानी की आज 50वीं सालगिरह है, इस वजह से यहाँ पे पूजा रखाई गई थी। अब मैं तो यार पूजा में इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि मेरे घर में काम लगा हुआ था और लकड़ी वगैरह वाले लोग आ गए थे, तो मैं थोड़ा लेट हो गया जब तक पूजा खत्म हो गई। तो मेरे को टीका वीका लगा दो। नानी आपकी साड़ी चेंज कैसे हो गई? साड़ी चेंज हो गई, अच्छी लग रही है। देख लिया नानी की रिंग, मौसा जी ने गिफ्ट करा है, विवेक मौसा जी ने। वाह नानी, और मैं लेट हो गया तो धागा मेरा अभी बन रहा है। वो जो बोलते हैं पंडित जी उनको याद नहीं है, ओम ओम बोल रही है मासी। राम नाना जी सालगिरह सालगिरह मुबारक रखिए, 50वीं सालगिरह। अच्छे लग रहे हैं आप। खाना खाइएगा ना पापा? खाना खा रहे हैं, हम दांत नहीं लाए हैं। लाया हूँ मैं, ले आया। लेते हो? हाँ। ये लोग थे पूजा में, तो भी मैंने इनके साथ स्नैपचैट में फिल्टर देखे। अगर आपको देखना है तो BTS में देख लेना, और थोड़े में भी साइड में डाल भी देता हूँ, बहुत मजा आया ना, मस्त लग रहे थे सबके सब। मैंने अपना नहीं लिया क्योंकि ऐसे ही अपन अच्छा ही लगता है, बस दाढ़ी हटा लेता हूँ। दाढ़ी कम बढ़ गई है दादा, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। ये क्या कर रही है? अच्छा अच्छा डॉगी कहती है तुम्हें क्या? तो खाने में है आलू परवल, छोले, पूरी एंड रायता जो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, लेकिन और खीर, सैलेड, आम। और आप बोलो आपको क्या चाहिए? हमारे घर में प्यार बहुत मिलता है, भर भर के गालों पे मिलता है। और यहाँ पे चेस का गेम चल रहा है, दोनों में इंटेंस हो रखे हैं। तो अभी मैं यहाँ से सीधे घर जाने वाला हूँ क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है। भैया का शायद से एक बार पूछ लेता हूँ, अगर उसका खाना चाहिए होगा तो ले जाऊंगा, वरना अगर वो फ्री हो गया होगा तो उसको बुला लेंगे, जैसा होगा मैनेज हो जाएगा। लेकिन अभी घर चलते हैं। मम्मी पूजा में सुबह ही चली गई थी नाना जी और नानी को लेके। कहता ये जो यहाँ से टूट गया था इसका तो इन्होंने सोल्यूशन कर दिया। अब ये प्लाई हम एक वजह से, मम्मी एक और इस वजह से ले आई थी, मम्मी ने बोला था इसके अंदर का भी जो है वो चेंज कर देंगे, लेकिन वो हमने जब चेक किया तो दिखा वो काफी मजबूत है। इसके इसके अंदर का जितना भी सामान था हमने यहाँ पे बोरी में बांध करके रख दिया था ताकि गंदा ना हो, तो अभी बस उसमें सेट कर देंगे ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी और मैंने पूरा रूम अरेंज कर दिया है, और यहाँ पे हमने मस्त एक बेड लगा दिया नानी के लिए। मतलब ये तोशक वहाँ से निकाल के अपन ने यहाँ पे लगा दिए ताकि यहाँ पे बैठने का बन जाए आराम से, क्योंकि नानी के घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो उनसे नीचे बैठा नहीं जाता है। तो ये चीज़ सही है, वहाँ पे भी बैठ सकती हैं, लेकिन ये भी सही है कि अगर बाई चांस हम लोग भी बैठना चाहें तो। और दूसरा, आज नाना नानी की 50th एनिवर्सरी है, तो उसकी हो सकता है कि हम लोग शाम में कहीं पार्टी वार्टी करने जाएँ। और अभी सुबह मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सीधे काम की वजह से यहाँ पे आ गई थी। तो अभी मम्मी मासी के यहाँ गई हुई हैं, वहीं पे सब लोग हैं मासी वगैरह, जहाँ पे मस्त आराम से लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं और गप्पे थोड़ी देर लड़ाएंगे। मैं घर पे इस वजह से हूँ क्योंकि यार मेरा सर दुख रहा था काम वाम करके, मैं करना चाहता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि बाय चांस अगर शाम को प्लान बना तो उसके लिए मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी। यार तो अभी मम्मी ने मेरे को बोला था वॉशिंग मशीन चला देने के लिए, मैंने रिंस एंड ड्राई पे करा और मैं देख रहा हूँ यार ये बार बार बीप बीप बजे जा रहे, चल क्यों नहीं रहा है? गाली दे रही थी। फिर यार मशीन मेरे को बोल रही है अबे ये गिरा, पाइप गिरा, पाइप गिरी हुई नहीं थी, ये जो दिख रही है ये पाइप लगी हुई थी। और मैं तब से सोच रहा हूँ यार पानी तो ऑन है, ये भी ऑन है, चल क्यों नहीं रहा? फिर भैया आके बोलता अबे ढक्कन इसको गिरा।
और चलने लग गई। हो जाती है यार कभी यार गलती। हर बार हर बार। अरे मैं तो जेंटलमैन बन गया। हाँ, अच्छा कपड़ा से अच्छा कपड़ा कौन पहनता है? कुली कपड़ा नहीं पहनता है ना। जो पढ़ा लिखा है जेंटलमैन है वही पहनता है। और आप है ना जी जेंटलमैन। और नाना जी जाएंगे अभी। देखो अब हम सब तैयार हो गए हैं। अब लेट कौन कर रहा है? नहीं नहीं लगाओ लिपस्टिक। अरे भैया ये देखो लेट ये। तो आप लोग अभी सोच रहे होगे हम लोग इतना टिप टॉप बन के कहाँ जा रहे हैं।